तो चलो बच्चों, इस वाले प्रॉब्लम को देखते हैं। ये बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है सर्कुलर मोशन का, और इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक 70 kg का मैन है, मैन का यहाँ पे मास दिया हुआ है। अगर मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो एक बेसिकली एक मैन है जिसकी मास जो है वो 70 kg का है, अच्छा खासा हेल्दी आदमी है, फिट है। तो यहाँ से अगेंस्ट द इनर वॉल, अगेंस्ट वो स्टैंडिंग में इनर वॉल ऑफ द होलो सिलेंडर ऑफ ड्रम की रेडियस जो है वो 3 मीटर है, और रोटेटिंग अबाउट द वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, तो वर्टिकल एक्सिस के वो रोटेट कर रहा है और आदमी सिलेंडर के सहारे खड़ा है। इस प्रॉब्लम को बोलते हैं बच्चों डेथ वेल। ठीक है ना, ये जो है वो डेथ वेल का प्रॉब्लम होता है। सर्कस हम बचपन में देखते हैं, जिसमें सर्कस में लोग साइकिल चलाते हैं, कुएं में साइकिल चलाते हैं और इस टाइप से कुछ गाड़ी चलाते हैं, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम है। द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल एंड क्लॉथ, जो म्यू यहाँ पर यूज हो रहा है वो है 0.15 बच्चों। ठीक है, तो व्हाट इज द मिनिमम रोटेशनल स्पीड ऑफ द सिलेंडर टू मैन स्टक विद द वॉल विदाउट द स्केटिंग एंड फॉल सडन रिमूव्ड। तो जी की वैल्यू आपको कितना लेना है, जी की वैल्यू आपको 10 m/s² आपको काउंट करना है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को हम एनालाइज करते हैं और समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। तो ये एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में मान लीजिए एक आदमी है, वो यहाँ पे एक मैन है और वो मैन इस प्लेटफॉर्म के सहारे से खड़ा है। द मैन इज स्टैंडिंग, इसके कपड़े इस ऐसा नहीं कि फेविकोल से चिपका दिया गया, तो ये सिलेंडर सिलेंडर के सहारे यहाँ पे आदमी खड़ा है, और ये ऐसा कुछ मैन है जो सिलेंडर के हेल्प से खड़ा है। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है ये अचानक से, और ये जो पूरी की पूरी सिलेंडर है अपने इस वर्टिकल वाली एक्सिस पर ओमेगा से घूम रही है। क्योंकि अगर ये देखो सिलेंडर रेस्ट में रहेगा तो आदमी ऑब्वियसली रेस्ट में आ, 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 ये जो प्लेटफॉर्म है वो अचानक से अगर रिमूव्ड कर दिया जाए, समझने की कोशिश करना, तो अचानक से अगर ये प्लेटफॉर्म हटा देता हूँ तो आदमी जो है वो सिलेंडर में ऐसे रहेगा। यार आदमी वहीं देखो रुका भी रह सकता है और गिर भी सकता है, तो डिपेंड करेगा कौन, ओमेगा डिसाइड करेगा। भाई अगर मैं ये प्लेटफॉर्म हटा दूं तो यहाँ पर जो आदमी है, ये जो आदमी बेचारा यहाँ पे इस वॉल के सहारे खड़ा था, तो द मैन इज स्टैंडिंग हियर विद द हेल्प ऑफ द वॉल। तो ये आदमी यहाँ पे खड़ा था वॉल के सहारे खड़ा था। तो ये अगर मैं इसको ओमेगा से घुमा देता हूँ तो ओमेगा कम होगा, तो अब ये यहाँ पर प्लेटफॉर्म तो है नहीं, तो ये आदमी नीचे गिर जाएगा। लेकिन अगर ओमेगा ज़्यादा होगा, ओमेगा बढ़ाओगे तो ये जो अपने फ्रेम में सूडो फोर्स फील करेगा इधर की डायरेक्शन में, तो वो सूडो फोर्स और जितने भी चार फोर्स, एक सूडो फील करेगा अपने फ्रेम में, आप ऐसा नहीं है इसको ग्राउंड से भी देख सकते हो, तो सेंटीपीटर लगाओगे तो इसी के फ्रेम से देख रहा हूँ तो मैं सूडो लगाऊंगा, तो सूडो नॉर्मल फ्रिक्शन और mg चारों मिल के ऐसा पॉसिबल है कि इसको रेस्ट में रखें। तो हमें वो मिनिमम ओमेगा निकालना जिससे आदमी क्या है रेस्ट में। अगर ओमेगा उससे कम होगा तो ये आदमी क्या आ जाएगा, नीचे आ जाए। सबसे पहले ये देखो कि कितने फोर्सेज लग रहे हैं, उन सभी फोर्सेज को रिजॉल्व बैलेंस करते हैं। तो आदमी पे सूडो फोर्स से सबसे पहले आदमी अगर घूम रहा है रेस्ट में है तो सूडो फोर्स m सेंट्रिप फ्यूगल फोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर इधर लगेगा, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द दिस सिलेंडर। और अगर ये आदमी इस सिलेंडर के वॉल को पुश कर रहा है इतने फोर्स से, सूडो फोर्स से पुश कर रहा है, तो सिलेंडर का वॉल इसके ऊपर नॉर्मल इधर लगाएगा जो कि इसके बराबर होगा, और अर्थ इसको नीचे खींच रही होगी, तो एम जी ये नीचे आ रहा होगा, ये कौन लगा रहा है भाई, अर्थ लगा रही है। तो इसकी जो सिलेंडर का वॉल है इसके बॉडी पर कपड़ों के भी जो फ्रिक्शन है वो ऊपर कैलकुलेट कर दे लगा देगा। तो कुल मिला के चार फोर्स है, तो जब चारों फोर्स है और मैन एट रेस्ट में है, मैन इज एट रेस्ट, तो आदमी अगर रेस्ट में है तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रिक्शन जरूर बैलेंस किया होगा किसको, एम जी को, और दूसरी बार नॉर्मल किसको बैलेंस किया होगा बोलो, तो नॉर्मल बैलेंस किया होगा सेंट्रीप्यूगल फोर्स को एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो यही दो इक्वेशन है जिससे हमें ओमेगा कैलकुलेट हो जाएगा। तो अब इन दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व कर लें तो हमें ओमेगा मिल जाएगा। तो पहले वाले इक्वेशन से अगर मैं फ्रिक्शन की वैल्यू देखूँ तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू, इस वाले इक्वेशन से अगर देखोगे तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है, म्यू एन
दैट इज एम जी। तो यहाँ से म्यू और एम जी नॉर्मल की वैल्यू एम आर ओमेगा का स्क्वायर और यह आ जाएगा एम जी। तो एम ने एम को काट दिया, तो यहाँ से बेसिकली अगर ओमेगा की वैल्यू देखोगे तो ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा जी अपॉन म्यू आर अंडर रूट, प्लस माइनस आएगा। प्लस माइनस बता रहा कि ओमेगा की डायरेक्शन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों हो सकती है। तो ये जो है, अब इस ओमेगा पे हम लोग क्या किए थे, तो इस ओमेगा पे हम लोग रेस्ट लिए थे। लेकिन अगर ओमेगा इससे, इस ओमेगा पे क्या रहेगा, आदमी क्या है, रेस्ट में है। अगर ओमेगा इससे कम होगा तो आदमी नीचे आ जाएगा, और इससे ज़्यादा होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ज़्यादा फील करेगा। अगर ओमेगा बढ़ाओगे तो ये वाली जो फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसकी वैल्यू बढ़ेगी। अगर ओमेगा इंक्रीज करोगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एफ की वैल्यू बढ़ने लगेगी, जो वो फोर्स फील कर रहा है अपने फ्रेम में। तो कुल मिला के इसे बढ़ने से उसकी डेथ भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा होगा तो मिनिमम ओमेगा कितना होना चाहिए। तो आदमी अगर मैन रेस्ट में है, तो इफ़ मैन इज़ एट रेस्ट, अगर आदमी यहाँ रेस्ट में है तो ओमेगा की जो वैल्यू है बच्चों, ओमेगा मस्ट बी ग्रेटर देन या लेस इक्वल टू जी अपॉन म्यू आर अंडर रूट। अगर ओमेगा इफ़, और इस समय जो फ्रिक्शन लग रहा होगा, देख रहे हो आप यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा होगा, वो डिपेंड करता है कि ओमेगा अगर बहुत ज़्यादा है तो वो लिमिटिंग लग रहा होगा। ठीक है, आदमी रेस्ट में है तो अच्छा खासा फ्रिक्शन उसको बैलेंस करके रखा होगा। तो यहाँ से अगर ओमेगा लेस देन है जी अपॉन म्यू आर अंडर रूट, तो अगर इससे ओमेगा कम आएगा तो आदमी जो है वो फॉल कर जाएगा, आदमी मैन विल फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड, और उसके फ्रिक्शन जो है वो काइनेटिक लगने लगेगा, स्लाइड करने लगेगा उसके रिस्पेक्ट में। तो अगर मुझे ये नंबर में निकालना, जो डेटा दिया था तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ओमेगा की वैल्यू जी अपन म्यू आर अंडर रूट आ जाएगी, तो सारी वैल्यू आ जाए। तो ये क्या है, ये मिनिमम ओमेगा है, कम से कम आपको ओमेगा इतना तो रखना ही पड़ेगा, इससे ज़्यादा रखोगे तो बहुत बहुत अच्छी बात है। तो जी की वैल्यू हम लोग 9.8 ले लेते हैं यहाँ पर, और म्यू की वैल्यू 0.15 ले लेते हैं, और रेडियस कितना दिया था, 3 मीटर दिया था, और ये सब कुछ अंडर रूट आ जाएगा। तो ओमेगा इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा 4.7 रेडियन पर सेकेंड। तो इतना आपको ओमेगा तो रखना ही पड़ेगा मिनिमम आदमी को रेस्ट में रखने, इससे ज़्यादा ओमेगा है तो बहुत अच्छी बात, और इससे कम है तो आदमी नीचे गिर जाएगा। तो आई होप कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो ये मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करना और मेरे चैनल से जुड़े रहना। तो अपना बहुत ख्याल रखना, मोटिवेटेड रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।